हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 9 ब्रेड स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड लिया, लेकिन आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या तो मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी ब्रेड का इस्तेमाल करें वो ताजी हो, ताकि उसे बेलने में आसानी रहे और हमारे ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स अच्छे बने। 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज न डालें, 4 से 5 टेबलस्पून मैदा, 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम, उसे भी मैंने बहुत ही बारीक काट के ले लिया है, 1/3 कप जितने उबले हुए भुट्टे के दाने, 1 मीडियम साइज का टमाटर, उसे भी मैंने बीज हटाकर बहुत ही बारीक काट लिया है, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ प्रोसेस चीज। मैंने यहाँ पर अमूल का प्रोसेस चीज इस्तेमाल किया है, जो नजदीकी ग्रोसरी स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 कप मोजरेला चीज या तो पिज्जा चीज। मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज और मोजरेला चीज दोनों चीज का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारे पिज्जा पॉकेट्स ज्यादा चीजी और टेस्टी बने, लेकिन आप चाहे तो किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करके भी पिज्जा पॉकेट्स बना सकते हैं। 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून तेल हमें चाहिए स्टफिंग बनाने के लिए, सब्जियों को सौते करने के लिए, और दूसरा तेल हमें चाहिए पॉकेट्स को फ्राई करने के लिए, और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए चीजी और टेस्टी पिज्जा पॉकेट्स बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे और पैन हल्के से गर्म होते ही उसमें तेल डाल देंगे। अब उसमें गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसे हिलाकर तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़े से कुक हो जाए। तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें प्याज, 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे और इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट के लिए, या तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। तो मैंने इसे 2.5 मिनट के लिए भून लिया है और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर, उबले हुए भुट्टे के दाने डाल देंगे। अब इसे हिलाकर मिक्स कर लेंगे। इसे 1/2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अब टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ओरेगानो, चिली फ्लेक्स और टमाटो केचप डाल देंगे। अब इसे हिला लेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सब्जियों को पकाने के लिए 1/4 टीस्पून नमक डाला हुआ है, और चीज में भी नमक रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा नमक ऐड नहीं किया है। चीज को मिक्स करने के बाद आप चेक कर देख ले, अगर आपको जरूरत लगे तो आप नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। इसे अब हम ठंडा होने देते हैं और चलते हैं अगली प्रोसेस में। तो अब हमने जो मैदा लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक मीडियम थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मैदे का घोल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी रखनी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे, हिला लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मैदे का बैटर भी बनकर तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हमने जो ब्रेड ली है उसे बेल कर पतला कर लेंगे। अगर ब्रेड एकदम ताजी होगी तो आप उसे बड़ी आसानी से बेल पाएंगे, लेकिन ब्रेड को 1-2 दिन हो गए हैं और वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो वो बेलते वक्त टूट जाएगी। तो अब हम ब्रेड को बेलन से बेल लेंगे और सभी ओर से अच्छे से पतला कर लेंगे। ब्रेड को पलट कर दूसरी साइड से भी बेल कर पतला कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड को बेल कर पतला कर लिया है।
तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड अच्छे से पतली हो गई है। अगर आपको कॉर्नर्स में बेलने की जरूरत लगे तो थोड़ा सा और बेलकर उसे पतला कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह से सारे ब्रेड्स को हम बेलकर पतला कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ब्रेड्स को बेलकर पतला कर लिया है और हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम स्टफिंग के अंदर चीज डाल देंगे, मोजरेला चीज भी डाल देंगे। अब हम इसे हिला लेंगे और चीज को सब्जियों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा स्टफिंग तैयार है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ और हमने जो ब्रेड को बेल कर तैयार किया है वो ले लेंगे। अब एक चम्मच से हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो इस ब्रेड के ऊपर रख देंगे। दो चम्मच जितना स्टफिंग रख देंगे और थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब हमने जो मैदे का घोल बनाकर तैयार किया है उसे एक बार हिला लेंगे। अब हम इस मैदे के घोल को एक ब्रश या तो हाथ से ब्रेड की किनारियों के ऊपर लगा लेंगे। इस घोल को हम अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमारा पॉकेट खुल ना जाए। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए किनारियों को सील कर लेंगे। किनारियों को प्रेस करके अच्छे से सील करेंगे ताकि पॉकेट को फ्राई करते वक्त चीज मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए हमारा पिज्जा पॉकेट बनकर तैयार है। तो ये सभी ओर से अच्छे से सील हो चुका है और फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं जैसे कि हम ब्रेड रोल को फ्राई करते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करने से इसमें थोड़ा सा तेल बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेड पॉकेट्स कम तेल अब्सॉर्ब करें। उसके लिए हमने जो मैदा का बैटर तैयार किया है उसकी कोटिंग कर लेंगे। तो एक ब्रश ले लेंगे और उससे हम इस पॉकेट के ऊपर मैदा के बैटर की कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम ब्रेड पॉकेट को पूरी तरह से मैदे के बैटर से कोट कर लेंगे जिससे कि ब्रेड के सारे होल कवर हो जाएंगे और उसके अंदर तेल नहीं भरेगा। तो आप इस तरह से पिज्जा पॉकेट्स को बैटर से कोट करने के बाद फ्राई करेंगे तो पॉकेट्स क्रिस्पी तो बनेंगे ही लेकिन उसके अंदर तेल कम एब्जॉर्ब होगा। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब हमने जो पिज्जा पॉकेट्स को तैयार करके रखा है उसे डायरेक्टली तेल में डाल देंगे या तो इस तरह से कांटा चम्मच के ऊपर रख के डालेंगे जिससे कि तेल के छींटे उड़ने के चांसेस कम हो जाए। इसे हम उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा पॉकेट्स दोनों ओर से गोल्डन फ्राई होकर तैयार है। इसे हम एक किचन टॉवल पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी पिज्जा पॉकेट्स फ्राई होकर तैयार है। तो ठीक इसी तरह से बाकी के पिज्जा पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप पिज्जा पॉकेट्स को तैयार करके स्टोर करके रख सकते हैं और खाने के टाइम पे बैटर से कोट करके फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व करें। गर्मा गर्म पिज्जा पॉकेट्स हरी चटनी और केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे जरूर बनाइए। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर की लेयर अच्छे से क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए ये अंदर से बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। अगर आप भी इस तरह से ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स बनाएंगे तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत ही टेस्टी बनेंगे और तेल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।